आईडी पे इतनी बात हो गई। अब तो रामायण की चौपाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविध कहेश कहे सब संता। हंसी से सुन लीजिए सर, कमियां इतनी है, राष्ट्रीय पेपर को सीरीज चलानी पड़ी, बाकी तो 46 और 50 गज की बात कर रहे हैं। मेरे फरीदाबाद में तो एक बोर्ड पे गुप्ता जी को इतनी आपत्ति हो गई, नगर निगम का पार्क, बूस्टर, तालाब, इस पर आईडी पर रही है, आईडी पे सर, इनकी प्रॉपर्टी आईडी बना दी, ये नगर निगम का माल बेच दिया प्राइवेट आदमी को। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल टेबल कर रहा हूँ, आपको तसल्ली से पढ़ने को मिल जाएगा, ये मैं टेबल कर रहा हूँ इसलिए सर। दूसरा सर, एक चीज समझ नहीं आ रही, ये गुजरात की कंपनी है यासी, सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? मंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि हमने पहले चरण में काम दिया और दूसरा तीसरा हमने खत्म कर दिया क्योंकि संतुष्ट नहीं है। बार बार कह रहे हैं 5% का क्लोज था, आपने जांचा कितना है? 10% माल ही तो जांचा है, 100% जांचो पता लग जाएगा कितना है। तीसरा, एक प्रॉपर्टी के 190 रुपए बता रहे हैं ये जी भाई, मरे से मरा एक दिन में एक आदमी 10 प्रॉपर्टी तो सर्वे कर लेगा 1900। वो कौशल विकास निगम पोर्टल पे इतने बेरोजगार पड़े हैं जी, महीने का हो गया 54,000, 10 घरों के तो बाथरूम के पाइप तक पता लग जाएंगे सरकार को, राशन के डब्बे पता लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जनता के पैसे की लूट हुई है। पुराना रिकॉर्ड था नगर निगम नगर पालिकाओं पे, सरकार का प्रेशर था, उसको हैंडओवर कर दिया और जनता अपनी धक्के खा रही। उसके बाद जनाब किरायेदार मकान मालिक, मकान मालिक किरायेदार, ये तो बड़ी आम बात हो गई। जो दूसरी सबसे बड़ी इसके अंदर परेशानी आ रही, हालांकि बाद में कह दिया ये मैंने टेबल करे हैं, कागज किससे मंगवा लें आप ले जाइए प्लीज। सोनीपत में शैक्षणिक संस्थान को ही कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया, बाद में कह दिया जी ये तो राजनीतिक द्वेष से हुआ। सोनीपत शहर में एक दिन में प्रॉपर्टी आईडी का कैंप लगा, 400 आदमी खड़े थे, अफसर दफ्तर छोड़ के भग गए। जब जीआईएस सर्वे हो रहा था सर, आपको विश्वास था हम इतनी बढ़िया चीज दे रहे हैं, आपने 5% की छूट क्यों दी? नगर निगम या यूएलबी डिपार्टमेंट में वैसी घोटालों की भरमार है, कोई कमी नहीं है। अब मेरे बस की नहीं है दोबारा नंगे पैर घूमना, 54 दिन मैंने बहुत त्याग किया है। जब आपने वो ठेका दिया, हर चीज का वर्क ऑर्डर बनता है जनाब, किसने चेक किया कि साहब ये गली चेक करी है, ये मोहल्ला चेक करा है, ये ब्लॉक चेक करा है, ये 50 घरों की प्रॉपर्टी आईडी बढ़ी है? और तीसरा जो खेल हो गया इसमें, मंत्री जी को अच्छी तरह से पता है, मुस्कुराएंगे, रोहतक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे ये, जिन्होंने सर्वे किया, जिस कंपनी ने सर्वे करवाया, सिर्फ मंत्री जी हाउस को बता दें उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या थी, 10वीं 12वीं, जीआईएस सर्वे, मैपिंग, लंबी चौड़ी बात। और उसके बाद आज वो आदमी क्या काम कर रहे हैं, दफ्तरों में दलाल बन के बैठे हैं, क्योंकि खुद ही काम खराब कर लिया, अब वही आपका काम ठीक करेंगे। और तीसरा, मंत्री जी आपने ये तो बता दिया कि 100 करोड़ दे दिए लगभग, दूसरा तीसरा चरण ये बताया मंत्री जी ने जवाब में, अभी कितने और दोगे ये और हाउस को बताओ? 96 पॉइंट कुछ का तो आपने बताया, पूरी रकम का तो नहीं बताया। और तीसरा मंत्री जी, ये जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के संग टाइप है ना, इस हाउस को पता है नीरज शर्मा बिना कागज के बात नहीं करता, ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए कानून बनते हैं, जब अमीर की बात आती है ना सारे कानून ढह जाते हैं आपके। ये आपके महकमे की चिट्ठी है और कई बार आप तक पहुंच चुकी, सरकार तक आप तक पहुंच चुकी। 18 में ठेका दिया था, पिंकी प्रीति का केस था, इस सदन में 4 बार उठा चुका, उनके ससुर साहब की डेथ हो गई तहसीलों में धक्के खा खा के, रिवेन्यू कोर्ट के अंदर चक्कर लगा लगा के। अध्यक्ष महोदय, 24 करोड़ रुपए थे एक ही प्लॉट के, जिस नगर निगम में सफेदी करने के लिए पैसे नहीं है, सीवरेज की फंटी के लिए बहन बेटियां कहती हैं मुख्यमंत्री जी बारात आएगी सीवरेज साफ करा दो, उस 24 करोड़ की रजिस्ट्री हो गई, इसके लिए ना एनडीसी चाहिए ना एनओसी चाहिए। ये नगर निगम ने चिट्ठी लिखी है कमिश्नर साहब ने, जॉइंट सब रजिस्ट्रार भड़कल फरीदाबाद को,
कि ये प्रॉपर्टी है, इसके 23 करोड़ समथिंग बकाया है, इसकी रजिस्ट्री ना की जाए। इसकी रजिस्ट्री हो गई, गरीब की रजिस्ट्री नहीं होगी। क्यों? गरीब पहले टोकन लाएगा, 50 गज का प्लॉट 49 गज है, फिर जाएगा, फिर वो किसी दलाल को पकड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इतना ना लुटवाओ जनता को। और मैं तो कह रहा हूं ये 24 करोड़ सरकारी खजाने में तो जमा करा दो। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये सारे पेपर पुनः आपके माध्यम से टेबल करना चाह रहा हूं। मेरी तो बस इतनी सी विनती है।